सहारनपुर मंडल के कमिश्नर लोकेश एम के आज सरसावा सीएससी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएससी में मिली खामियां पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सीएससी प्रभारी व बीपीएम के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बता दें कि करीब 11 बजे अचानक सीएससी पहुंचे सहारनपुर मंडल के कमिश्नर लोकेश एम ने सीएससी का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्हें कई खामियां नजर आई, जिसके बाद उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए सीएससी प्रभारी पर बीपीएम के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। पूरा डिवीजन में जितने भी सीएससी पीएससी है और रेफरल हॉस्पिटल है, सभी सरकारी हॉस्पिटल का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए एक 50 पॉइंट चेकलिस्ट हम लोगों ने दिया था। और कई बार हम लोगों ने एमओसी को बुलाकर ट्रेनिंग भी दिया था कि अस्पताल का रखरखाव कैसा होता है, मेन इमरजेंसी रूम है या ओपीडी के रूम है या वार्ड्स है, मेटर्निटी वार्ड्स है, लेबर रूम है, हर चीज़ के लिए एक निर्धारित मानक है। सो उस मानक को हम लोगों ने कई बार ट्रेनिंग भी दिया था इंचार्ज एमओसीज को। तो ट्रेनिंग देने के बाद ऑलमोस्ट एक महीने के बाद आज सरसावा सीएससी चेक किया। जिस तरह हम लोग चाहते हैं और जो प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए वो प्रोटोकॉल के अनुसार अस्पताल नहीं चल रहे। इमरजेंसी रूम ठीक नहीं मेंटेन्ड है, कई जगह इमरजेंसी ट्रेस मेंटेन नहीं है, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिला है और ओपीडी में जो चीज़ रखना चाहिए था डॉक्टर्स वो भी नहीं है, और जिस तरह का ड्रग डिस्पेंसेशन होना चाहिए वो भी मेंटेन नहीं है, और वार्ड्स में तो कई तरह का कमियां मिली है। तो वी आर गोना टेक एक्शन अगेंस्ट द इंचार्ज डॉक्टर और डीपीओ के खिलाफ इंचार्ज। सर, ये जैसे ऑपरेशन कायाकल्प है उसी का हिस्सा है सर? मतलब ये हम लोग ये एक 50 पॉइंट चेकलिस्ट है कि मेन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है अस्पताल रन करने के लिए, उस हिसाब से हम लोग इस सारा चीज़ चेक करते हैं। सर, ये आपकी पॉलिसी है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक 50 पॉइंट्स का एक चेकलिस्ट है और हम लोगों ने एक 70 पॉइंट को भी बनाया था। कई बार सही डॉक्टर्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था, तो उसके बाद हम लोग ये चेकिंग करना शुरू किया। सर, जैसे आपने आज किसी को कार्रवाई करने के लिए कहा है सर? कार्रवाई होगा हमारे इंचार्ज एमओसी के खिलाफ और यहाँ पर जो डीपीओ उनके खिलाफ कार्रवाई होगा, प्रोग्राम हो जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।